किसानों के दिल्ली जाने पर सरकार रोक लगा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक दिनेश गुज्जर ने विरोध जताया। गुज्जर ने कहा कि किसानों के अधिकार के लिए वे आंदोलन करेंगे। किसान कांग्रेस के अध्यक्ष व मुरैना से विधायक दिनेश गुज्जर ने सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों को लूटने की योजना बना रही है। किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है। दिल्ली जाने से किसानों को रोका जा रहा है जैसे वो कोई अपराधी हों। किसानों को उनका अधिकार दिलाने के लिए दिनेश गुज्जर ने आंदोलन करने की बात कही। 19 वर्षों से मध्य प्रदेश में और 9 वर्षों से अधिक केंद्र में जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं वो किसानों को लूटने ठगने की बनाई जा रही हैं। समय पे बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, फसलों के दाम नहीं मिल रहे, फसल बीमा नहीं मिल रहा, मुआवजा नहीं मिल रहा। और जब किसान अपनी मांगों को लेकर, किसान अधिकारों की मांगों को लेकर जब कहीं प्रदर्शन करने की बात करते हैं तो उनको अपराधी समझ के उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, उनको डंडे मारे जा रहे हैं, उन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस लामबंद है। हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सीएलपी लीडर के नेतृत्व में हम सब इसके लिए संघर्ष करेंगे और किसानों को अधिकार मान सम्मान दिला के रहेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।